जी नमस्कार। अगर आप सो रहे थे तो जग जाइए। वैसे सो तो रहे नहीं होंगे क्योंकि एग्जाम की घंटी ऐसे चैन से नहीं सोने देती है। जग गए होंगे आप, और जगने के बाद थोड़ी सी घबराहट और फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, क्योंकि हम जो प्लान कर रहे होते हैं या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर उस चीज में जो हमारा शेड्यूल है वो फिट नहीं बैठता है, तो ये लाजमी है कि थोड़ी घबराहट होती है। मुझे भी जो आप लोगों ने मैसेज किया, जिन लोगों ने भी किया, उसमें घबराहट तो झलक ही रही है। बट कोई बात नहीं, इस एक महीने का मैं अपने तरफ से आपको कुछ प्लान बता रहा हूं, फॉलो करिए, फायदा जरूर होगा। हो सकता है आपका एग्जाम पहले से अनाउंस हो और आपके एग्जाम में अब एक महीने बचे हैं, तो भी आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और स्पेशली अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव इन नेचर का है, तो क्योंकि सब्जेक्टिव में ना हम थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी रखते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एकदम से स्टैटिक्स बेस्ड या फिर आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक, कंक्लूजन, ओपिनियन सब लिखना होता है, तो लास्ट स्टेज तक भी आप पढ़ते रहोगे तो कोई। जी नमस्कार। अगर आप सो रहे हो तो जग जाइए। वैसे एग्जाम की घंटी आपको चैन से सोने नहीं देगी अगर आप एग्जाम को। जी नमस्कार। अगर आप जग रहे थे तो अब जग जाइए, क्योंकि एग्जाम की घंटी बज चुकी है। वैसे एग्जाम की घंटी किसी को चैन से सोने नहीं देती है अगर आप एग्जाम को लेके सीरियस हो तो। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ गया कि जीपीएससी ने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना, थोड़ा सा लो फील करना लाजमी है ना, कि हम जब कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं और हमारे प्लानिंग में कोई चीज फिट नहीं बैठती है और अचानक से वो धमक पड़ती है, तो ये भाई नेचर है। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी भी है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो आएगा। पर हम जो ये एक महीना बचा है, इसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, किस तरीके से हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, वो यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और बिल्कुल प्रैक्टिकल होके, मोटिवेटिंग वाली, मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है। और मेरा यह मानना भी है कि अगर आपका एग्जाम अनाउंस हो गया है या फिर पहले से अनाउंस था, उसमें केवल एक महीना बचा है, अगर स्टिल आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही हो, तो माई बाप, आप एकदम बेकार ट्रैक पकड़ लिए हैं। आपको फिर से अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या सच में आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है या फिर आपके लिए कोई और रास्ता है, आप उसको पकड़िए तो शायद कुछ भला हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। अब आपको प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि आप शायद प्लान नहीं किए होंगे, आप पढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट नहीं आई है, सडनली एग्जाम की डेट आ गई और अब एक महीना बचा है, तो इस एक महीने को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और कैसे मार्क्स इंप्रूव करना है, इन सभी बातों को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे विथ एक्सपीरियंस। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करके आप इसको अपने ऊपर लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बताऊं वैसे ही लगाना है, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है। तो आप में जो चीजें फिट बैठती हैं उसको लगाना है, जो चीज फिट नहीं बैठती उसको कट आउट करके बाहर कर देना है। स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि जो एग्जाम अनाउंस हुए हैं वो पहले से पोस्टपोन हुए थे, तो आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं बचता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। भाई होनी चाहिए थी, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, पहले ही हो जानी चाहिए थी पिछले डेट तक ही, पर पिछले डेट में नहीं हुई, पोस्टपोन होके फिर से कुछ टाइम मिला, फिर भी नहीं हो पाई, तो फिर तो अब मान लीजिए कि अब नहीं हो पाएगी। जितनी हो पाई है उसको कैसे स्कोर में कन्वर्ट करें, अब वो सोचिए। जो चीज आपने नहीं पढ़ा है, इस बात पर आप मेरे ऊपर ना 101% भरोसा कर सकते हैं, जो चीज आपने नहीं पढ़ा है प्लीज उसको नहीं पढ़िए। कोई कितना भी एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा हो, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम टोटली स्टैटिक्स बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा भी आपकी मेमोरी फेड हुई एग्जाम में, फॉर्मूला भूले, फंडामेंटल भूले, पूरा याद है आपको, बस थोड़ा सा भूल गया कि क्या करना था यार, क्या था यहां पर, ऊपर था कि नीचे था, स्क्वायर था कि क्यूब था, प्लस था कि माइनस था, कुछ भी भूल गए फॉर्मूले में, फंडामेंटल भूल गए आप, तो आपको निगेटिव मार्क्स ही मिलने वाला है। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आपका थोड़ा ओपिनियन भी चलेगा, थोड़ा उनका ओपिनियन भी चलेगा, थोड़ा उनका कंक्लूजन भी चलेगा, नहीं, यहां पे या तो रॉन्ग या तो राइट। तो भाई अब तक जो नहीं पढ़ा है प्लीज डोंट टच, छोड़ दीजिए, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट है छोड़ दीजिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तब तक सारा पढ़ ही लेना चाहिए था, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए।
जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले कोई सी भी एमसीक्यू बुक उठा लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर कलेक्शन देते हैं आपके एग्जाम की, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और इसके बारे में हमने पहले से डिस्कशन किया हुआ है कि कौन सी बुक, कितनी बुक और कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, जैसे ही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली फील होगा, गारंटी है आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यार इस टॉपिक का मुझे रिवीजन करने की जरूरत है, इस फंडा की हमको रिवीजन करने की जरूरत है, इस फॉर्मूले को रिवाइज करने की जरूरत है, इस थ्योरम को रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही उस थ्योरम, उस फॉर्मूला, उस फंडा पे क्वेश्चन आएगा आप उसको नहीं कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ पा रहा, जब यहां पर याद नहीं आ रहा तो एग्जाम में भी याद नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से क्या जनरेट होगा, रिवीजन, कि भैया हमको रिवीजन करने की जरूरत है। और यह भी पता चलेगा प्रैक्टिस से कि किस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना बुक लेके बैठ जाते हैं कि चलो अब जितना पढ़ा था सब रिवाइज मार डालते हैं। भाई इतना टाइम नहीं है कि बस एक धुन लगा दिए बैल की तरह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई बोलेगा तो लेफ्ट टर्न लेंगे, कोई बोलेगा तो राइट टर्न लेंगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो हो चुका कल्याण। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिकली वो जो टॉपिक्स है, वो फंडा, वो थियरी, वो फॉर्मूला सब सामने आएगा कि किसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है, कहां पे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, क्या चीज आप भूल रहे हो। अगर सबसे नहीं बन रहे हैं तब तो माशाल्लाह चद्दर तानिए, वेब सीरीज लगाइए और सो जाइए, क्योंकि आपका कल्याण हो चुका है। आप कहोगे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा हूं भाई, फालतू की मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक महीना बचा है और सारे क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से आपको 80 आई नहीं रहे तो फिर क्या ही मतलब है। फिर आप दूसरे एग्जाम को टारगेट करिए जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस एग्जाम में अपीयर मत होइए, होइए बिल्कुल, क्योंकि इस एग्जाम के प्रेशर में आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को पहले से ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। पढ़िए पर फालतू की उम्मीद लगा के मत पढ़िए कि मैं टॉपर ही बन जाऊंगा। हाँ, ये बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया है, अब उनका स्कोर ना कटे तो ये प्रैक्टिस करना है। तो आप प्रैक्टिस से यह समझ गए कि रिवाइज क्या करना है। अब उन फॉर्मूले को जो आपको लगता है यार कि ये टफ है, पहले भी 2-3 बार पढ़ा था या पहले भी रिवाइज किया था, साला ये भूल जाता है, उसको लिखना भी है। प्रैक्टिस कैसे करना है, टेबल में जो पेन के ऐसे एकदम थाट से नहीं करना है, राजाओं जैसे नहीं, गरीबों की तरह कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हटाइए, नींद में नहीं करना है, मोबाइल दूर रखना है, बीच बीच में उठा के नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि कितना टाइम इफेक्टिवली पढ़े, मैं तो कहूंगा भाई 8-10 आवर इस टाइम तो आपको पढ़ना चाहिए। इससे कम टाइम मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर इससे कम टाइम आप दे रहे हो तो अपने साथ नाइंसाफी थोड़ा आप कर रहे हो। इतना तो पढ़ना ही चाहिए, मैं इफेक्टिव टाइम की बात कर रहा हूं, इसमें कुछ दूसरा नहीं, इफेक्टिव टाइम 8 आवर तो आना ही आना चाहिए आपका किसी तरीके से। हाँ, अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ कि जॉब के साथ तो इतना टाइम मिल नहीं पाया तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसके दिमाग पे भी डिपेंड करता है, सिलेक्शन आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, पर जो केवल तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, तो 8-10 आवर तो उनको देना ही देना है। ठीक है, रिवीजन कर लिए तो केवल रिवीजन तक रुकना नहीं है, फिर सेल्फ असेसमेंट सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे जरूरी चीज है, 5-स्टार चीज, कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना ही करना है। जो आदमी सेल्फ असेसमेंट नहीं करता है वो खुद को भ्रम में रखता है कि वो अभी पढ़ लिया है, सब कुछ जानता है और एग्जाम में 30 मार्क हां जैसे सब करके आ जाएगा और फर्स्ट डिवीजन मुसी की रैंक आएगी, और जब रिजल्ट आता है तो उसको लगता है भाई असली पहलवान, मतलब जो होता है ना पहलवान अखाड़े में अकेले, तो उसको लगता है भाई कोई आए पटकनी दे दूंगा, जब बराबर का कोई आता है तो पता चलता है कि उसको अभी बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है। तो सेल्फ असेसमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट। यहां पे एक गलती और लोग करते हैं, मैं हर बार आपको बताता हूं, प्लीज आप किसी से डिस्कस मत करें, सेल्फ असेसमेंट करें, खुद को इंप्रूव करें, पर किसी तीसरे से मत पूछें कि भाई तेरे कितने मार्क्स आए, फलाने के कितने मार्क्स आए, क्योंकि इसमें आप अनवांटेड टाइम गवाओगे और कहीं आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा लूज हो रही होगी ना, तो आपका दिमाग भाई आपको इतना निगेटिव लेके आ जाएगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, बैठ जाओगे, लगोगे यार आपकी प्रिपरेशन सबसे खराब हो सकता है, वो बंदा झूठ भी बोल रहा हो। तो किसी से कंपेयर नहीं करना है, और इसके वजह से मैं कहता हूं किसी से बात ही मत करो। एग्जाम पे कोई आपसे बात करे कह दो हमको नहीं करना है प्रभु, आप जितना अच्छा तैयारी कर रहे हो करो, एकदम खुद को आइसोलेट कर लो। अगर किसी से आपने बात किया तेरे कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, फलाने के कितने आ रहे हैं, तो हो गया आपका कल्याण,
मतलब फिर तो फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है, क्योंकि कोई मतलब सारे झूठ बोलते हैं, ये तो आप एनालाइज करके तो सारे ही झूठ बोलते हैं, मतलब वो कम आएगा ना, कम आएगा जिसमें उसको नहीं बताएंगे, जिस टेस्ट में ज्यादा आया, जिस टेस्ट सीरीज में ज्यादा आया उसको बताएंगे कि इतना आ गया कम, मतलब अपने ना वो आदमी क्या होता है अपनी पॉजिटिव चीजें ही बताता है, ये ह्यूमन नेचर है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ना ही वो प्लान करके बता रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, मतलब ये ह्यूमन नेचर, आप भी किसी को बताओगे तो अपना पॉजिटिव पॉइंट ही बताओगे, बहुत कोई क्लोज हुआ ऐसे बहुत किसी के साथ ओपन हो तो बता दोगे, इन जनरल जनरली लोग अपना पॉजिटिव पॉइंट, तो आपको असेसमेंट करना है, अगर आपने कहीं टेस्ट सीरीज ले रखी होगी तो वहां से आप सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, अगर नहीं ले रखी है कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए और एकदम टाइमर लगा के एग्जाम के टाइम तक एकदम से बैठना है, नो डिस्टर्बेंस, मोबाइल स्विच ऑफ, शटर लगा के, घर में किसी को अंदर नहीं आने देना है, एकदम टाइम लगा के टाइम टू टाइम सॉल्व करना है, एकदम 3 घंटे या 2.5 घंटे या जो भी जितना भी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से टाइम डिवाइड करके एकदम उतना ही टाइम बैठ के सॉल्व करना है बिना कुछ देखे ताके, और एकदम ऑनेस्ट असेसमेंट करना है, अगर आपने बहुत बार होता है ना कि हम छोटी सी गलती करते हैं ना तो उसको अपने मार्क्स में जोड़ लेते हैं, यार ये तो छोटी सी मिस्टेक थी ना, एग्जाम में थोड़ा नहीं होगी ये मिस्टेक, मतलब ठीक है ये तो सही होता है बस ये मतलब यार ये कैलकुलेशन में गलती हो गई, अरे यार ये थोड़ा सा ना मैं जल्दीबाजी में ये वाला टिक कर दिया, भाई ये सारी गलतियां एग्जाम में होती हैं, तो चाहे जल्दीबाजी में टिक करो, चाहे गलत बबल करो, चाहे गलत फॉर्मूला लगाओ, चाहे गलत फंडा लगाओ, अगर ऑप्शन गलत है तो अपने मार्क्स को नेगेटिव ही काउंट करना है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मतलब पेपर लेके सॉल्व करेंगे, बाकी टेस्ट सीरीज वालों का तो वो आपके हाथ में होता नहीं है, वो तो खुद ही इवेल्युएट करके दे देगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, चाहे आप छोटी गलती की हो चाहे बड़ी गलती की हो, तो वो आपके एक्चुअल मार्क्स ही दिखाएंगे, तो सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, फिर सेल्फ असेसमेंट बताएगा कि आपका प्रैक्टिस सही है कि नहीं, प्रैक्टिस सही मतलब क्या सही चीज पढ़ रहे हो या एग्जाम में कुछ और आता है, आप कुछ और दुनिया में घूम रहे हो, ये भी तो जरूरी है ना कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी कौन सी चीजें हैं, तो ये असेसमेंट बताएगा कि जो चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या वो आपके एग्जाम के लिए ठीक है, ठीक है तो नंबर यहां ज्यादा आएंगे, ठीक नहीं कर रहे होगे तो नंबर यहां पे खराब आएंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन ये बताएगा कि जो चीजें आप पढ़े हो क्या वो आपके स्कोर में भी कन्वर्ट हो रहा है कि केवल पढ़ रहे हो, ये सब चीजें कौन बताएगा, आपका असेसमेंट बताएगा कि केवल पढ़ रहे हो, ठीक चीजें पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो मार्क्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारे आंसर आपको सेल्फ असेसमेंट से मिल जाएंगे, अगर सेल्फ असेसमेंट में आपके मार्क्स खराब आ रहे हैं तो आपको ऑनेस्ट होके उस गलतियों को सुधारने की जरूरत है, न कि उसको ढकने की जरूरत है, दिल को सांत्वना देने की जरूरत है कि नहीं यहां पे गलती हो गई, अरे ये तो टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड होती है इसलिए खराब मार्क्स आता है, अरे ये तो ऐसे हो गया इसलिए गड़बड़ हो गया, अरे यहां पे तो टाइम नहीं था इस वजह से हो गया, अरे यार इस समय मेरा मूड खराब था इस वजह से खराब हो गया, ये सब एक्सक्यूज बना के गलती को ढक देने की जरूरत नहीं है, एकदम सेल्फ असेसमेंट करना है, गलतियां हैं तो हैं उनको सुधारना है, 1 महीने का सफिशियंट टाइम होता है गलतियों को फाइंड आउट करके सुधारने का, 1 महीने कम टाइम नहीं होता, हां 1 महीने नई चीजें पढ़ने का या एकदम से प्रिपरेशन शुरू करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, पर हां ये सारी चीजें करने के लिए 1 महीना सफिशियंट टाइम है, तो उम्मीद है कि प्रैक्टिस रिवीजन असेसमेंट इन तीनों चीजों को आप करोगे ही करोगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि कैसे करना है, पर हां सिलेबस टू द सिलेबस हमको क्वेश्चन भी पिकआउट करने हैं, अगर आप कई ऐसी बुक ले रखे हो जहां पे सब कुछ मिक्स है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो वो जनरली वही होता है, सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा सा देखते रहना है, जो चीजें नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ना है, तो मेरे तरफ से ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को रिवाइज करके रिपीट करके करते रहना है, अब प्रैक्टिस कितना करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सब्जेक्ट अच्छी है कौन सी खराब है, आप अपने हिसाब से चूज आउट करके किससे स्टार्ट करना है किस पे एंड करना है, ये अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, जो सब्जेक्ट जल्दी भूल जाते हो या जो आपको टफ फील होती है उसको थोड़ा रिवीजन में जल्दी जल्दी रखना है, या जो फॉर्मूले भूलते हैं उनको रिवीजन में जल्दी जल्दी रखना है, कहीं पे मार्क करके रख लेना है, लिख के रख लेना है, जैसे भी आप सुटेबल समझो, जो आपको याद रहता है और आपको लगता है कि ये याद रहेगा, पहले भी आपने पढ़ा था अभी भी याद है इस पे क्वेश्चन कर लेता हूं, उसको थोड़ा सा पीछे भी रखोगे तो चलेगा, पर ये तीनों चीजें आपको इस 1 महीने में करना है तभी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मेरी जो टेस्ट सीरीज है आपके जीपीएससी एजेडब्ल्यूएसएसबी की उसमें मैंने शेड्यूल डाल दिया है, उसी शेड्यूल पे आपकी टेस्ट आएगी,
प्लीज उसको सीरियसली दीजिए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिस फंडामेंटल पे हो सारी चीजें वहां पे इंक्लूड हो जाए, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उस फंडामेंटल पे या सेम टू सेम बहुत बार रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, तो आप गलतियां ना करो। बाकी थोड़ा बहुत जो फ्रस्ट्रेशन है या लो फील करना है वो होता है, थोड़ी घबराहट भी होती है। जो लोग पहली बार दे रहे होंगे एग्जाम उनको थोड़ी सी ज्यादा घबराहट होगी। जो थोड़ा उम्मीद किए थे कि भाई थोड़ा बाद में होगा, तो हम लॉन्ग टाइम टेबल बना लिए थे कि पहले मुझे ये पढ़ना है पहले ये पढ़ना है, उनको भी थोड़ी घबराहट होगी कि यार ये चीजें हमने प्लान किया था कि रिवाइज कर लेंगे पर अब नहीं कर पा रहे। वो सब छोड़ दीजिए, अब नया शेड्यूल बना लीजिए कि अब मुझे इतने टाइम में ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करिए कि कम से कम तीन से चार बार मिनिमम सारे सब्जेक्ट आपके रिवाइज होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट जो जो आपने पढ़ लिया है, जो छोड़ दिया छोड़ दीजिए, अगर सारा ही पढ़ लिया है तो कोशिश करिए कि 3 से 4 बार आपका इस मंथ में एक महीने में रिवीजन हो जाना चाहिए, 3 से 4 बार मिनिमम। और वैसे वाला रिवीजन नहीं कि लेके बैठ गए पेज पलट रहे हैं पेज पलट रहे, वैसे वाला रिवीजन नहीं, ऐसे वाला रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो होप सो कि आप बिना फ्रस्ट्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन लाजमी है, अब फ्रस्ट्रेशन से निकल के एक टाइम शेड्यूल बना के 8-10 घंटे का उसमें बैठोगे, टारगेट करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, जिससे भी कर रहे हो आप, जिस भी बुक से कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, करते रहिए। बट सेल्फ असेसमेंट रिवीजन प्रैक्टिस, सेल्फ असेसमेंट रिवीजन प्रैक्टिस, इसको एकदम से रिपीट मार के ढोल एकदम रिवाइंड में लगा के करते रहना। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जितना ज्यादा क्वेश्चन का मतलब यह है कि एकदम से खोजी पत्रकार नहीं बन जाना कि नए नए क्वेश्चन खोज के प्रैक्टिस करूंगा। भाई रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं, मोर देन 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मोर देन 50 या 60-70% रिपीटेड होते हैं। केवल रिपीटेशन वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नया क्वेश्चन कौन फ्रेम कर रहा है यार। बहुत कोई करता है तो जो डाटा वाटा होता है वो चेंज कर देता है, ऑप्शन ऊपर नीचे कर देता है, तो आप मतलब प्रीवियस के जितने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लोगे, सिलेक्शन हो ही जाएगा, बस उसको सही तरीके से अटेम्प्ट करके आ जाना एग्जाम में। एग्जाम में जाके कोई उठपटांग गलती नहीं करना है प्रेशर में आके। और कॉन्फिडेंस अगर लूज हो रहा है तो इसके दो रीजन होते हैं, एक तो ये होता है कि हमारा दिल खुद ही मानने को तैयार नहीं होता है कि हमारी प्रिपरेशन ठीक है, इस वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है। और मैक्सिमम टाइम वो सही भी होता है, जो दिमाग होता है दिल होता है ना वो हमको सही इंफॉर्मेशन भेजता है, क्योंकि हम प्रिपरेशन नहीं किए तो फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। कई बार हमारी प्रिपरेशन ठीक होती है पर फालतू में हम दूसरों का देख के, दूसरों की बातें सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कह यार उसने ये भी पढ़ लिया, उसके इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूं खुद को आइसोलेटेड रखिए, कम से कम उस फ्रस्ट्रेशन से आप बच जाएंगे। और अपने तरफ से ऑनेस्ट कोशिश करिए, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते उतना पढ़िए, अच्छा करके आओगे आप। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पे भी आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।